नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। तो अगर आपका बजट 2000 रुपए से लेके 3500 रुपए के बीच में है एंड आप कंफ्यूज हैं कि ट्रिबिट एक्स साउंड गो एंड सोनी XP12 दोनों में से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए एंड कौन सा बेस्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, बेस्ट वोकल्स, बेस्ट मिड हाइज एंड बेस्ट बेस, पंची एंड डीप बेस प्रोड्यूस करता है एंड कौन सा आपको वैल्यू फॉर मनी देगा, तो इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी एंड आप सही स्पीकर चूज कर पाएंगे इन दोनों में से अगर आप एक चूज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको इनका डिटेल्ड रिव्यू देखने को मिल जाएगा इनके साउंड टेस्ट के साथ में, साथ ही इनके वाटरप्रूफ एंड बेस टेस्ट के साथ में। तो वीडियो के साथ बन रहे हैं। साथ ही इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी कंपैरिजन वीडियो मिस ना कर पाए। Musician is the best way to learn, practice, and master a musical instrument. Just play along with any guitar, bass, ukulele, piano, or your and timing. Fun and addictive gameplay tracks your progress and keeps you motivated. Whether you're a complete beginner or an दोस्तों ये था इनका साउंड टेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए कौन सा स्पीकर विनर था, सोनी XP12 या फिर ट्रिबिट एक्स साउंड गो। एंड साथ ही अगर आप इनका हिंदी एंड पंजाबी का साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
तो वहां से आप इंस्टा पे जाके इनका हिंदी एंड पंजाबी का साउंड टेस्ट देख सकते हैं। बात करें इनके साउंड की तो आप जज हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इनकी साउंड में आपको क्या डिफरेंस लगा एंड आपके लिए कौन सा विनर था। देखते हैं कितने लोग सोनी एक्सबी की तरफ जाते हैं एंड कितने लोग ट्रिबिट एक्स साउंड गो की तरफ जाते हैं। एंड जो मैंने नोटिस किया है इनके साउंड में डिफरेंस, सोनी एक्सबी 12 के जो मिड्स हैं बहुत ज्यादा क्लियर निकल के आ रहे हैं, वही ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको बेस जो है काफी डीप बेस निकल के आ रही है, काफी पंची बेस निकल के आ रही है। वोकल्स की बात करें तो दोनों में ही आपको क्लिस्टर क्लियर क्रिस्प वोकल्स सुनने को मिलेंगे। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं इनमें, तो बिल्कुल आपको क्लियर वोकल्स सुनने को मिलेंगे, क्लियर डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अगर आप इन पे मूवीज, कोई वेब सीरीज या कोई यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आपको वोकल्स का डेफिनेटली मजा आ जाएगा, इतने क्लिस्टर क्लियर वोकल्स आपको दोनों में ही सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस दोनों के मिड्स एंड बेस में निकल के आ रहा है। जहां आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में बेस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, वही एक्सबी 12 में आपको मिड्स जो है वो ज्यादा क्लियर सुनने को मिल रहे हैं। मिड्स में हर एक बीट को आप डिटेल में सुन सकते हैं सोनी एक्सबी 12 की। ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको हाइज एंड बेस दोनों ही काफी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं। ओवरऑल पैकेज की बात करूं कि ओवरऑल पैकेज में बेस्ट साउंड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरे लिए ट्रिबिट एक्स साउंड गो है। एंड एक्सबी 12 में आपको मोनो चैनल साउंड सुनने को मिल रही है, तो मोनो इफेक्ट जो है इसका मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है पर्सनली, तो इसका मोनो इफेक्ट जो है वो ट्रिबिट एक्स साउंड गो के स्टीरियो इफेक्ट के सामने उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको दो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं सामने की तरफ, तो इसका स्टीरियो इफेक्ट जो है, दो स्पीकर्स का इफेक्ट जो है वो सोनी एक्सबी 12 के सिंगल स्पीकर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे मोनो चैनल एंड स्टीरियो चैनल में डेफिनेटली स्टीरियो चैनल विनर है। बट यहाँ पे जो सोनी के लवर हैं, जिनको सोनी की साउंड अच्छी लगती है, वो डेफिनेटली सोनी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सोनी के डाई हार्ड फैन हैं, अगर आपको सोनी का स्पीकर चाहिए, तो आप सोनी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज मेरा सुजेशन यही है कि आपके लिए ट्रिबिट एक्स साउंड को बेस्ट रहने वाला है, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। हाँ, सोनी की साउंड यहाँ पे थोड़ी सी सोनी की साउंड में मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो ट्रिबिट एक्स साउंड गो के साथ में आने वाला है। आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में पंची एंड डीप बेस देखने को मिलेगी, स्टीरियो साउंड सुनने को मिलेगी, साथ में आपको ज्यादा बैटरी बैकअप भी आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छा पैकेज है ट्रिबिट एक्स साउंड गो में। अगर आपको 2300 से 2500 रुपीज के बीच में स्पेंड करने हैं, तो ट्रिबिट एक्स साउंड गो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। अगर आपका बजट 3000 से 3500 रुपए के बीच में है, अगर आप मोनो चैनल स्पीकर के साथ में जाना चाहते हैं, अगर आपको सोनी का ही स्पीकर चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक्सबी 12 की तरफ जा सकते हैं। दोनों का ही परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाके इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं एंड इनको परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप और कोई कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।